हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ अफशा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सिंपल मैक्रोनी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक बाउल है इंडियन मैक्रोनी, तो हम इसे उबालेंगे। तो कढ़ाई में हमने 1.5 लीटर पानी उबलने के लिए रख दिया था, तो पानी उबल चुका है। तो अब हम ऐड करेंगे मैक्रोनी। तब हम इसे चलाएंगे और मैक्रोनी को उबाल लेंगे। तो देखिए, अब हम चेक कर लेते हैं। तो मैक्रोनी बिल्कुल हमारी सॉफ्ट हो गई है, यानी पूरी तरह से कुक हो गई है। तो देखिए, इसमें थोड़ा जो पानी बाकी है, इसे हम मैक्रोनी के साथ आगे कुक करेंगे, तो इसे हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे। ये मैक्रोनी बहुत टेस्टी बनती है। तो हमने एक डिश में पानी समेत इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने उसी कढ़ाई को साफ़ करके सुखा लिया है, तो इसमें 1/4 कप रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड कर देंगे। और जब जीरा चटक जाएगा तो 1 मीडियम साइज़ की चॉपी हुई प्याज ऐड कर देंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, तो अब ऐड करेंगे 1 हरी मिर्च और थोड़ी सी से बचा लेंगे, आगे यूज़ करेंगे। 1 सेकंड इसे चलाएंगे। फिर हम पानी समेत पास्ता ऐड कर देंगे। हल्के हाथों से इसे चलाते हुए अलग अलग कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे घर के बेसिक मसाले। 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। तो ये है 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप। तो इसमें हम 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। तो इसे चलाते हुए हम पतला कर लेंगे। तो देखिए, केचप लिक्विड फॉर्म में हो गई है। तो अब हम ये पास्ते में ऐड कर देंगे, चलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, साथ ही में ऐड करेंगे बची हुई हरी मिर्च और थोड़ा ऐड करेंगे हरा धनिया। तो यह हम दोबारा ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून टमाटो केचप। आप चाहो तो इस स्टेज पे ये टमाटो केचप स्किप भी कर सकते हो। इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पे गैस ऑफ कर देंगे। तो देखिए, हमने ये थोड़ी सी लिक्विड रखी है, बिल्कुल ड्राई नहीं रखी। का जो टेस्ट है वो जूसी रहता है। तो अब हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो आप इसे इवनिंग टाइम में भी खा सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चें कम डालें। तो ऊपर से हमने थोड़ा सा गार्निश कर दिया है हरे धनिए से। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। ये मैक्रोनी टेस्टी भी होती है और सिंपल भी होती है और घर के बेसिक मसालों से बन जाती है। तो अब हम मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।